हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल इन बायजूस एग्जाम प्रेप प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट, एज यू नो कि अब हमारे पास हार्डली 70 डेज रिमेनिंग है फॉर आवर अपकमिंग एग्जाम। सो दिस इज द हाई टाइम कि आप अपनी तैयारी को जोरदार तरीके से करें और इस अपकमिंग एग्जाम को क्लियर करें। तो एक मोस्ट कॉमन क्वेरी जो मेरे पास रिपीटेडली आ रही है वो ये कि मैम, हमें इस टाइम पे मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। सो द आंसर इज, हमें मॉक टेस्ट तभी देना है जब हम 3 से 4 बार PYQs कर चुके हो। अगर हमने PYQs नहीं किए हैं तो पहले हमें 3 से 4 बार PYQs करने हैं, उसके बाद ही हमें मॉक देना। एंड सेकेंड थिंग, इन केस अगर हम PYQs कर चुके हैं और हम मॉक देना स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें हर मॉक का एनालिसिस भी करना है। विदाउट एनालिसिस हमें कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है मॉक का। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज वेरी यूजफुल फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।